लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट ये हर कोई कराता है और देखने के लिए पहुंच जाता है डॉक्टर के पास कि सर इसको देखिए ठीक है कि नहीं है। तो मैं चाहता हूं डॉक्टर क्यों बताए आपको, आप खुद एनालाइज करिए ठीक है कि नहीं है। तो मैं थोड़ा सा लिपिड प्रोफाइल को समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपके पास रिपोर्ट है तो क्या देखना है उसमें। देखिए लिपिड प्रोफाइल करते क्यों है कि हार्ट की बीमारी का जो मेजर कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का HDL, इन तीनों को चेक करने के लिए लिपिड प्रोफाइल किया जाता है। और इन तीनों को जोड़ने के बाद एक और आता है LDL, उसको भी मेजर किया जाता है उसमें। तो लिपिड प्रोफाइल में आप चार पांच चीज़ देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, फिर VLDL, LDL, और ये पांच चीज़ तो रहती है। और कोई बहुत एडवांस रिपोर्ट करा ले तो उसमें ApoB/ApoA1 ये भी दिया जाता है। पर स्टैंडर्ड जो लिपिड प्रोफाइल है इसको बेस्ट तो होता है खाली पेट करना है, 12 घंटा फास्टिंग के बाद कराना है, और ये हार्ट की बीमारी के तरफ आप कितना बढ़ रहे हैं उसका इंडिकेशन देता है। अब लिपिड प्रोफाइल में आपको मिलना क्या है, देखिए कोलेस्ट्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ब्लॉकेज बनाता है, और ट्राइग्लिसराइड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी ब्लॉकेज बनाता है। कोलेस्ट्रॉल की रेंज नॉर्मल में 130 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम तक लिखा जाता है, तो नेचुरली मैं चाहता नहीं हूँ कोई भी 150 के ऊपर लाए। और हार्ट की बीमारी अगर कोई की है तो मेरे लिए तो एक ही फिगर है, वो है 130 से नीचे रखना। तो आप कभी भी लिपिड प्रोफाइल, अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो 130 आपकी हाईएस्ट है, और अगर हार्ट के मरीज नहीं है तो भी 150 60 के ऊपर ना जाएं, ये ध्यान रखें। तो ये फिगर याद रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड ये 100 से 160 तक नॉर्मली होता है, तो नेचुरली मैं 100 से नीचे चाहूँगा। और अगर कोई हार्ट के मरीज ना हो और वो बोलते हैं फिर भी एक थोड़ा सेफ लिमिट बताइए, तो मैं बोलूँगा 130 के नीचे रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। HDL जो है ये बढ़िया कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लॉकेज के अंदर जाके ब्लॉकेज को निकालने का काम करता है। तो HDL होना चाहिए मोर देन 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये बात आप याद रखिएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल 100 है तो HDL कम से कम 25 होना चाहिए, मोर देन 25%। ये बहुत सिंपल फिगर है, आप अपना देख लीजिए, वो है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये आती है LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL को बहुत सारे डॉक्टर इंपॉर्टेंस देते हैं, पर LDL में आपको बता दूं, अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, HDL है, तो LDL ऑटोमेटिक आ जाता है, इसलिए LDL को अलग से मेजर करने की जरूरत नहीं है। LDL से पहले एक VLDL होती है जिसको बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये होना चाहिए 20 से कम, और इसको एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय 5। आपकी ट्राइग्लिसराइड अगर 100 है तो VLDL 20 रहेगी, तो VLDL हम 20 से कम चाहते हैं। आप बोलेंगे LDL को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर पैथोलॉजी लैब जो होती है वो LDL को मेज़र नहीं करता है, कैलकुलेशन से करता है, और ये कैलकुलेशन बहुत सरल है, कोलेस्ट्रॉल माइनस VLDL माइनस HDL, ये हो गया आपका LDL। तो आप कभी भी अपनी मेजरमेंट देखिएगा ये तीन चल कर लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल माइनस VLDL माइनस HDL, तो आपकी LDL आ जाएगी, LDL मुझे 70 से कम चाहिए। तो ये चार पांच चीज़ आपको याद रखना है। लिपिड प्रोफाइल अगर आप हमारे एकदम लोएस्ट रेंज में हैं तो आपका हार्ट के रिवर्सल चलती जाएगी और हार्ट की बीमारी नहीं होगी। और अगर लिपिड प्रोफाइल हाई निकलती है, बहुत सारे केसेस में जेनेटिकली हाई होता है, तो आपको फिर हम बोलेंगे हो सकता है आपको हार्ट की बीमारी अंदर हो गई हो, तो हो सके तो आप एक CT कोरोनरी स्कैन करवा लो। अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर इसके साथ है या मोटापा है, तब तो CT कोरोनरी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जब भी लिपिड प्रोफाइल हाई हो तो आप पहले तो अपना प्रिकॉशन शुरू कर लीजिए, खाने में कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बंद कराइए, वो हो गया नॉन वेज फूड और दूध, और ट्राइग्लिसराइड आती है ऑयल और ड्राई फ्रूट से, ये बंद करवाइए। और उसके बाद भी अगर ये सब की कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप जेनेटिक केस है और आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की अलग रिपोर्ट दवाई मिलती है, ट्राइग्लिसराइड की अलग दवाई मिलती है। तो आप जरूर लिपिड प्रोफाइल अपने से एनालाइज करना देखिए, और अगर आपको करना आ जाता है तो आपको हर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर लिपिड ज़्यादा है तो प्लीज़ डोंट वेट, यू हैव टू एक्ट एंड यू हैव टू टेक केयर। ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए, कोई भी आदमी लिपिड प्रोफाइल करे इसको एक बार सुन ले, और पेपर लेके अपना बैठ जाए तो उसको पता चल जाएगा वो कहाँ पे है। अगर लिपिड्स हाई है तो योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इज हार्ट अटैक इज़ वेरी हाई, तो इस बात को ध्यान रखें। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।